गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। टुडे वी विल रीड इंग्लिश चैप्टर नंबर 11, द सन, द मून एंड द स्टार्स। सो लेट्स स्टार्ट। द सन, द मून एंड द स्टार्स। सन मीन्स, स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, सन मीन्स होता है सूरज या सूर्य, मून चांद, एंड द स्टार्स और स्टार्स मीन्स तारे, इनके बारे में है आपका ये चैप्टर। अच्छा सा है ये, बहुत ही नाइस चैप्टर है आपके लिए। आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया है सन के बारे में कि सन कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। इसी तरीके से मून और स्टार के बारे में भी बताया गया है। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। सन जो है दिन के दौरान चमकता है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन जो हमें हीट मीन्स गर्मी, लाइट रोशनी देता है ना। सूरज के आगे हम थोड़ी देर बैठ जाएं तो इसकी गर्मी हमें रोशनी तो मिलती है, उजाला तो होता ही है इससे, और लाइट इसकी हीट हमें गर्मी सी नहीं लगने लग जाती है, तो ये हमें हीट और लाइट देता है। इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यह पूर्व में तो उगता है और वेस्ट होती है पश्चिम, पश्चिम में छिपता है। देखो स्टूडेंट्स, फोर डायरेक्शंस होती हैं, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। तो ये दो डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट, इनमें ही जो सन है हमारा वो राइज और सेट होता है। तो राइज तो होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में। ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। तो ईस्ट में तो राइज होता है और वेस्ट में छिपता है, शाम हो जाती है, सूरज छिप जाता है ना, दिखाई देना बंद हो जाता है। द सन इज़ एक्चुअली अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन जो है हकीकत में एक बहुत बड़ा आग का गोला है, बॉल है, एक तरीके से गेंद है। व्हेन इट सेट्स, जब ये छिपता है। द डे एंड्स, तो दिन खत्म हो जाता है। एंड द नाइट बिगिंस, और रात शुरू हो जाती है, नाइट आ जाती है ना, अंधेरा होने लगता है तब। द मून शाइन्स इन द नाइट। रात को जब सूर्य छिप जाता है तो आप किसकी रोशनी देखते हैं, मून की देखते हैं ना, तो मून चमकता है रात में। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, वो जो चमकता वो दिखता है, वो किसकी रोशनी होती है। इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। वो इसलिए चमकता है क्योंकि वो रोशनी किसकी होती है, सन की। सन की रोशनी से मून शाइन करता है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। मून की जो शेप्स हैं, साइज हैं, आप देखते हैं ना, उसका शेप जो है डेली चेंज होता है। कभी आप उसे मून को हाफ देखते हैं, कभी फुल देखते हैं, कभी थोड़ा सा कट दिखाई देता है सर्कल में से उसके, तो उसकी शेप्स एवरी नाइट चेंज होती रहती है मून की। समटाइम्स इट इज़ फुल एंड समटाइम्स इट इज़ हाफ। कभी कभी तो ये पूरा दिखाई देता है और कभी कभी ये आधा दिखाई देता है। हाफ मीन्स आधा, समटाइम्स कभी कभी। द फुल मून इज़ राउंड एंड वेरी ब्राइट। पूरा जो चांद होता है वो गोल होता है, राउंड होता है, एंड वेरी ब्राइट, और बहुत चमकीला होता है। देखा होगा ना आपने नाइट में फुल मून कितना शाइन कर रहा होता है, कितना ब्राइट दिखाई देता है। एट नाइट, रात के समय, वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई। हम बहुत सारे स्टार्स को स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं। दे लुक वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। फार मीन्स दूर। एक्चुअली दे आर वेरी बिग इन साइज, हकीकत में या वास्तव में। एक्चुअली मीन्स होता है हकीकत में। दे आर वेरी बिग इन साइज, वो बहुत बड़े हैं साइज में, लेकिन वो हमसे दूर है ना, इसलिए हमें छोटे नज़र आते हैं। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स, हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। कर सकता है क्या कोई, क्योंकि बहुत सारे हैं वो। दे आर मैनी इन नंबर्स, वो बहुत ज़्यादा है ना नंबर्स में, तो हम उन्हें काउंट ही नहीं कर पाते, तो हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। द स्काई लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट,
स्काई जो है रात के टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है ना आसमान हमें। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है, आपको स्टार्स मून एंड सन के बारे में बताया है इसमें। क्या आप क्या बताया, सन की डायरेक्शन बताई हमें, सन कैसा है क्या देता है हमें, मून के बारे में बताया, इसकी ये भी बताया कि उसका जो शेप है एवरी नाइट चेंज होता है, और स्टार्स का भी बताया कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो काउंटलेस हैं बिकॉज वो मैनी नंबर्स हैं। प्लस ये भी बताया कि वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, है ना, जबकि उनका साइज तो बहुत बड़ा है। ये सब बताया इस चैप्टर में। नाउ डिफिकल्ट वर्ड टाइम, सन, सन मीन्स सूरज, ईस्ट आपको मैंने बताया कि फोर डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन का नेम है ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं पूर्व, जहाँ से सूर्य उगता है, वेस्ट जहाँ सूरज छिपता है वो वाली दिशा है ये, उसे हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिम, फायर आग, नाइट रात, डे दिन, मून चांद, स्टार्स तारे, शेप आकार जिसे हम साइज भी बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम, क्वेश्चन ये है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। फर्स्ट है सन राइजेज इन विच डायरेक्शन, ऑप्शन ए वेस्ट, बी साउथ, सी ईस्ट, राइट ऑप्शन इज सी ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपका, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ डैश अ लाइट, बी फायर, सी गैसेस, राइट ऑप्शन इज बी फायर। थर्ड है हमारा, मून शाइन्स बिकॉज ऑफ डैश अ लाइट, बी ओन लाइट, सी लाइट ऑफ द सन, राइट ऑप्शन इज लाइट ऑफ द सन। नाउ क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिए उनके आंसर राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द सन राइज, आंसर द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डज द सन गिव अस, आंसर द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। क्वेश्चन थ्री, वैन डज द स्काई लुक ब्यूटिफुल, आंसर द स्काई लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ना क्वेश्चन सी जो है आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको साइड में हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको 1 to 4 सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें आपको डैश बनाया हुआ है, उनमें आपको राइट वाला जो हेल्प बॉक्स से वर्ड लेके चूज़ करके इसमें फिल कर देना है, ये आप सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन है आपका अपोजिट वर्ड्स का, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको वर्ड्स दे रखे हैं इनके अपोजिट्स को राइट डाउन करना है, ये भी आपको सेल्फ करना है, आपको फिलअप्स और अपोजिट्स सेल्फ करने हैं स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज, मैंने आपको इसका हिंदी में मीनिंग भी बता दिया है, और जो फिलअप्स हैं वो भी इसी चैप्टर के ही हैं, तो आपको टफ नहीं होंगे, एक बार आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आप फिलअप्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो इसका PDF आएगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, अपोजिट्स के भी और फिलअप्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको एक बार मैच कर लीजिएगा PDF में से, और आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा बुक में, सारा नोट कर लीजिएगा, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके वो आपकी नोटबुक में कर लीजिएगा, जैसे आपने अदर चैप्टर्स के किए हैं, बाकी का जो बैक एक्सरसाइज में जो भी बस्ती हैं आपकी वो सारी आपको बुक में ही फिल करने लिए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।